वाला डीजे, उसके आगे एक और डीजे, शायद कंपटीशन हो सकता है, पूरा रोड को रोक दिया। ये यहाँ पे हाथ है माता रानी का, और एक बार वो चेक कीजिएगा। ये कीजिए माता रानी को, कितनी खूबसूरत माता रानी है। ये कालका चौक की रोशनपुरा चौराहे की बहुत शानदार लग रही है माता रानी। तो गाइस आप माता रानी को देख सकते हैं कितनी खूबसूरत लग रही है, जैसे कि आप देख कीजिए एक बार सारे लोग हैं यहाँ पे। राम भाई क्या बोलती पब्लिक, एक नंबर। तो भाई बहुत शानदार माता रानी है।
देख सकते हैं ये न्यू मार्केट पूरा रोड ब्लॉक पड़ा हुआ है एक साइड का, चेक कीजिए आप लोग। तो भाई चेक कीजिए आप लोग, पूरा रोड ब्लॉक, टोटल रोड ब्लॉक पर करके रखा है, क्योंकि महारानी इतनी बड़ी है ना, बहुत शानदार कालका चौराहे की महारानी, और पूरा रोड टोटल ब्लॉक है यहाँ पे। एक बार चेक कीजिए गाइस, ये न्यू मार्केट है टोटल, और यहाँ पे पूरा टोटल रोड ब्लॉक करके रखा है टोटल, ये चेक कीजिए गाइस, वो बहुत शानदार डीजे ये भी। बट ये देखिए आप लोग जानते हो नटराज को एमपी का किंग बोला जाता है, और यहाँ पे एक चीज चेक कीजिए, की कुटिया न्यू मार्केट में, और यहीं से आगे से एक गली है छोटी सी, वहां से अंदर जाओगे ना, यहाँ से अंदर जाओगे लेफ्ट साइड में, तो गाइस वहीं पे माता रानी मिल जाएंगी, और जैसे कि आप लोग देख सकते हैं आगे सामने बहुत शानदार, और ये आ रहे दोस्त। तो गाइस चलते हैं, आप लोगों को पहले झांकी दिखाते हैं, प्रॉपर एड्रेस दिखा देंगे, और जैसे कि माता रानी बहुत खूबसूरत है, तो उनके नाम पे एक लाइक एक कमेंट तो करते हैं, जय माता दी। तो गाइस चलते हैं, इसी गली के अंदर है। तो गाइस हम लोग ये गली में आ चुके हैं यहाँ पे, और जैसे कि आप लोगों को आगे पंडाल दिखा देंगे, तो गाइस चले चल हम लोग आ चुके हैं माता रानी के पंडाल में, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे, और जैसे कि आप लोगों को बताई कितनी पतली गली है, पर इधर बहुत बड़ी माता रानी बिठाते हैं, और ये चल रहा है स्वागत की तैयारी अभी, और जैसे कि आप लोग चेक कर सकते हैं, ये है पंडाल माता रानी का, और ये यहाँ रंगोली वगैरह बना रहा है फूलों से, और जैसे कि आप लोग चेक कीजिए एक बार। अब चलते हैं, लेके चलते हैं आपको माता रानी के चल समारोह में, देखिए चेक कर सकते हैं आप लोग, ये रतनपुरा चौराहे पे माता रानी खड़ी हुई है, वहाँ पे चेक करिए, और जैसे कि ये मुस्कान डीजे, वो नटराज डीजे, और शायद कॉम्पिटिशन भी हो सकता है दोनों में, वो पब्लिक चेक कीजिए आप एक बार। पब्लिक चेक कीजिए कितनी पब्लिक है,
लोग चेक कर सकते हैं। माता रानी पंडा गली के सामने पहुंच चुके पहुंचने वाली है, और जैसे कि आप चेक कीजिएगा इस पूरे माता रानी और पब्लिक चेक कीजिएगा, हमें चेक कीजिएगा इस बहुत ज़्यादा पब्लिक है। बंद हो गया क्योंकि माता रानी के गली में है, यहाँ पे पहुंच चुकी है, और जैसे कि आप लोग देख सकते हैं दोनों डीजे साथ में लगे हैं, शायद कंपटीशन हो सकता है। पूरा रोड को रोक दिया गया, टोटल पूरा रोड को रोक दिया है। तो गाइस आप लोग चेक कर सकते हैं यहाँ पे पूरा रोड बंद कर दिया गया है। न्यू बापू की कुटिया के सामने वाला जो रोड है पूरा टोटल बंद कर दिया गया है। तो गाइस नटराज और साथ में है मुस्कान डीजे, दोनों में कंपटीशन होने वाला है, बहुत तगड़ा कंपटीशन होने वाला है। तो जैसे कि आप लोग चेक कर सकते हैं ये सामने गली में इधर जाएंगी माता रानी। तो गाइस जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कितने लोगों के हाथ में मोबाइल है इस टाइम पे, क्योंकि एमपी का नंबर वन डीजे के साथ कॉम्पिटिशन है मुस्कान का। और ये मनीष इवेंट भी लिखा हुआ है, एक बार जैसे कि आप लोग चेक कर सकते हैं माता रानी आने वाली गली के अंदर, यहाँ पे गली ये है सामने सेम, और यहाँ आने वाली है माता रानी अंदर। तो गाइस चेक कीजिए कितनी बड़ी माता रानी है, ओ गली आप लोग चेक कीजिए कितने सी गली है। तो गाइस आप लोग गली चेक कर सकते हैं पहले कितनी छोटी गली है, और माता रानी का साइज चेक कीजिए आप लोग कितना बड़ा है। तो गाइस बहुत डिफिकल्ट टास्क है ये इस गली में से निकालना, तो आपको दिखाते हैं यहाँ पे पूरे पूरा दिखाएंगे यहाँ पे वीडियो माता रानी को कैसे लेके जाते हैं गली के अंदर। तो गाइस जैसे कि आप लोग देख सकते हैं माता रानी गली के अंदर जाती हुई ये है गली सामने, और यहाँ जा रही है माता रानी, बहुत ज़्यादा बड़ी माता रानी। और जैसे कि आप लोग पीछे चेक भी कर सकते हैं पूरे तार नीचे को हैं, तो आप देखते हैं कैसे क्या लेके जाते हैं यहाँ से। और जैसे कि आप लोगों को मैंने कॉम्पिटिशन का बताया था, बट कैंसिल हो गया किसी कारण से, यहाँ कॉम्पिटिशन नहीं हो रहा है। तो गाइस अभी ये तारों को देखिए कैसे निकालते हैं ये लोग। चिंगारियां भी छूट रही है, ये चेक कीजिए गाइस, ये वाह, ये पूरी मेन लाइन है, और ये इन्हें शायद काटेंगे या तो ऊपर करेंगे। बहुत मुश्किल है यहाँ से निकलना क्योंकि पूरे तार टाइट हैं, और माता रानी के मुकुट के नीचे ही आ रहे हैं, ऊपर भी नहीं जाएंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइट है। और जैसे कि आप लोग एक बार चेक कर सकते हैं लड़के को चेक कीजिए, तार सांप फंसे हुए माता रानी के मुकुट के जस्ट पीछे ही है।
और जैसे कि आप लोग देख सकते हैं मेन लाइन जैसे कि देख सकते हैं ये तार टूट रहे हैं धीरे धीरे और ये मेन ये सबसे मुश्किल काम था जो कि हो चुका है अभी इस टाइम पे। आप चेक कर सकते हो कितनी मुश्किल से निकाला मुकुट के सामने से ये तार को और जैसे कि अभी पीछे पूरी दूर काट रहे हैं ये। सभी धर्म प्रेमी बंधुओं से निवेदन है एक तरफ का ट्रैफिक क्लियर करने की कृपा करें, पुलिस प्रशासन का सहयोग करें। सभी मतदान दल के कार्यकर्ताओं से निवेदन है एक तरफ का ट्रैफिक क्लियर करने की कृपा करें। पूरा वायर काट दिए इन्हें यहाँ के एक तरफ का ट्रैफिक क्लियर करते चले सभी लोग। इतनी बड़ी मात्रा नहीं है ना और जगह है छोटी सी, जैसे कि आप लोग चेक कर सकते हो पूरा खम्मा इस लाइन के बाहर से और देखिए आप लोग पूरे बाहर काट दिए। गाइस जैसे कि आप देख सकते हैं ये खम्भे की मेन लाइन है ये भी और ये भी नीचे को है, बहुत ज़्यादा नीचे है, जितनी थी ऊपर निकाल दी बट ये भी फंस रही है, शायद ये भी उसे काटे। ये माता रानी जाने लगी अंदर को अब भाई साहब चेक कर सकते हैं और आगे जगह देखिए आप कितनी सी है, उसमें भी लेके जाएंगे माता रानी। तो भाई जैसे कि आप लोग ये बाहर देख सकते हो लटक के कहाँ आ रहा है माता रानी का और जो कि पूरा कर चुके हैं ये। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं माता रानी को निकल रही है धीरे धीरे वैसे। निकलने की क्योंकि इस साइड को पूरा खम्मा और इस साइड ये बिल्डिंग पूरी जो कि अभी इधर खोल रहे हैं इसे और यहाँ के पूरे झंडे वगैरह खोल चुके हैं यहाँ पे, एक बार चेक कीजिए। बट सब लोग बोल रहे हैं निकल जाएंगी माता रानी तो हमें भी विश्वास है वो तो निकल जाएंगी माता रानी। भाई जैसे कि आप लोग देख सकते हैं माता रानी को निकालने के लिए पूरी कोशिश की जा रही है और यहाँ माता रानी निकल गई है। सो गाइस बहुत शानदार अलग ही, मतलब सबको खुशी है माता रानी निकल गई यहाँ पे। और जैसे कि अभी तो बहुत ज़्यादा टास्क से आगे बहुत मतलब बहुत मुश्किल से निकलती है गली में, हर साल का इधर का मतलब बनाते इतनी बड़ी है कि जो निकल ही नहीं पाती बट निकल जाती कैसे भी करके। तो वैसे आप लोग चेक कर सकते हैं एक बार माता रानी को और गली चेक कर सकते हैं आप लोग कितनी छोटी गली है और माता रानी कितनी बड़ी है यहाँ पे। गाइस देख सकते हैं अभी खम्मा निकला और अब जाके पेड़ में फंस चुके हैं माता रानी और जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ से भी निकल जाएंगे क्योंकि जैसे कि आप लोग चेक कर सकते हैं निकल गई माता रानी। अभी और भी थोड़ा और आगे तक है जो कि मतलब गली अभी पतली है, सकड़ी गली है। तो गाइस चेक करते एक बार अपन, तो
गाइस जैसे आप लोग देख सकते हैं माता रानी धीरे धीरे आगे बढ़ रही हैं। अब कर सकते हैं ये पेड़ में अड़ चुकी है माता रानी, धीरे धीरे निकल रही है। गाइस यहाँ पे माता रानी, इतनी बड़ी माता रानी, इन्हें बिठाना मतलब मस्त बैठती है, एक नंबर बैठती है। ये तो शुरू से होता है कि मतलब जब बिठाते ना तो यहाँ से निकलना मुश्किल होता है, पर निकल जाती है माता रानी ऐसे से। तो गाइस एक बार चेक कर सकते हैं कालका माई को। गाइस जैसे कि आप लोग चेक कर सकते हैं लाइट चले गई है यहाँ पे। ये भाई है ना जो ये पेड़ को मतलब पेड़ में अड़ रही है राक्षस मंडी। तो गाइस बस यही सही है, यही है शायद आगे टाक आगे और भी मुश्किल है शायद से, क्योंकि बोल नहीं सकते क्योंकि मेन यही थी जो थी। जैसे कि आप लोग चेक कर सकते हैं शायद अब हल्का सा ट्रालर तिरछा करके निकाल लेंगे। जैसे कि माता रानी को देख सकते हैं निकल चुके हैं और यहाँ पे सब लोग माता रानी को भाई फूल बढ़ा रहे। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं माता रानी चले गई है और यहाँ चौराहे पे पहुंचने वाली है माता रानी। आप लोग चेक कर सकते हैं माता रानी जहाँ से निकलना था निकल चुकी है गली में से, अब तो ये पूरा खुला मैदान है। और जैसे कि आप लोग चेक कर सकते हैं पंडाल के पास आ चुके हैं हम लोग, यहाँ पे थोड़ी सी दूर पंडाल है यहाँ पे, और ये आ रही है माता रानी। यहाँ पे चेक कीजिए आप लोग, अब तो पूरा खुला हुआ एरिया है यहाँ पे, मतलब ये गली थी ना छोटी वो निकल चुकी है और ये आ चुका है माता रानी का पंडाल। जैसे कि आप लोग चेक कर सकते हैं माता रानी के स्वागत के लिए, माता रानी। जैसे कि आप लोग चेक कर सकते हैं पूरे रोडों पर फूल भी जा कर रखे माता रानी के लिए। यहाँ पे एक बार चेक कीजिए स्वागत के लिए, लोग आगे चढ़ चढ़ के आ रहे हैं पूरे जहाँ के तक फूल हुए। और यहाँ पे आप लोगों को जैसे दिखाया था कि मतलब यहाँ पे रंगोली बन रही है फूल फूल की, तो आपको मैं एक बार चेक तो नहीं हुआ क्योंकि पूरे लोगों ने खराब कर चुके हैं रंगोली, मतलब थोड़ा सा ये चेक कीजिएगा आगे भी बनी हुई है रंगोली। जैसे कि आप लोग चेक कर सकते हैं यहाँ पे माता रानी के स्वागत के लिए, आप लोग चेक कर सकते हैं कितनी प्यारी रंगोली बनाई गई पूरे फूलों से। और जैसे कि आप अंदर शानदार रंगोली है। तो भाई जैसे कि चेक कर सकते हैं आप लोग माता रानी का आगमन हो चुका है यहाँ पे। तो भाई चेक कीजिए माता रानी आ चुकी है यहाँ पे, कितना खूबसूरत नजारा है। साथ में जाना ना। तो भाई जैसे कि आप लोग देख सकते हैं ट्रैक्टर हट चुका है और यहाँ ट्राले से माता रानी आ रही है और यहाँ पे है ढलान नीचे को। तो भाई बड़ी संभल के लाना पड़ रहा माता रानी को, एक बार चेक कीजिए भाई। जैसे कि आप लोग चेक कर सकते हैं माता रानी पहुंचने वाली है अपने पंडाल में, और एक बार चेक कीजिए गाइस। तो गाइस जैसे आप लोग चेक कर सकते हैं पंडाल में भी माता रानी का हाथ अड़ गया है।
छाती पे मार जैसे कि आप लोग देख सकते हैं माता रानी पंडाल के अंदर पहुंच चुकी है। साचे दरबार की जय। तो गाइस जैसे माता रानी को आप लोगों ने देख लिया, वो पंडाल में जा चुकी है। तो गाइस अब यहीं करते हैं ब्लॉग को एंड। और जैसे कि आप लोगों ने देखा ना कि मतलब कितनी सी गली में से माता रानी को निकाल के रखा, वो माता रानी निकल भी गई जहाँ उम्मीद नहीं थी, फिर भी निकल गई। तो गाइस अब चलते वीडियो का करते हैं यहीं पर एंड। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और एक बार कमेंट में जय माता जरूर लीजिएगा। तो गाइस चलते जय माता।